नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं स्टार्टअप चैंपियन से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे एक स्टार्टअप चैंपियन से जो है इनक्यूबेशन स्पेस से। ये है एक्सेस लाइवलीहुड फाउंडेशन, और साथ में आप मिलेंगे हमारे स्पेशल मेंटर और गेस्ट मिस्टर प्रणव भाटिया से। छोटे किसान से बुनकरों तक, मछुआरों से लेकर वन उपज से अपना जीवन चलाने वालों तक, छोटे एंटरप्रेन्योर्स से लेकर लेबरर्स तक, इन सभी समुदाय के लोगों को सशक्त बना रहा है ये इंक्यूबेटर। आइए देखते हैं एक्सेस लाइवलीहुड फाउंडेशन की कहानी। हम ग्रामीण महिलाओं के साथ उनका खुद उद्योग जो वो अपना खुद का कंपनियां बनाए और उससे उनका आय भी बढ़े और वहाँ पे लोकल स्थानीय रूप से वो रोजगार भी दिलाए दूसरे लोगों को। देश में सिर्फ 20% महिलाएं जो 25 से 50 साल के बीच में रहते हैं उनके जो आज इकोनॉमी में एक्टिव है, और बहुत सारे महिलाएं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे गांव के स्तर पे उनको मौका नहीं मिल रहा। तो हमारी कोशिश यही रही, तो 20 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं कि गाँव के स्तर पर ऐसे कैसे इंडस्ट्रीज को बनाएँ जिसके थ्रू वो महिलाओं को ज़्यादा रोजगार मिले और वो खुद रोजगार बने, वो खुद कंपनी के ओनर्स बने और उसके साथ साथ वो बहुत सारे महिलाओं को भी वो रोजगार दिलाए और आय भी उनका बढ़ाए। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज जैसे नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन सब ने हमको अलग अलग रूप से हमको मदद दिया और हमको प्रोत्साहन किया। बट इसके साथ साथ बहुत सारे इंटरनेशनल फाउंडेशंस ने हमारे साथ काम किया। गांव के स्तर पे अगर आप अच्छे काम, नेक काम करोगे और सच में इससे लोगों का भविष्य सुधर रहा है तो ये दिख जाता है। गांव जाएंगे तो आप देखेंगे, महिलाएं खुद बोलेंगे, और जब ये दिखने लगता है तो बहुत सारे लोग आगे आते हैं इसको मदद करने के लिए। So, कृष्ण कृपाल जी और सरज जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है, देखिए आपका ये जो मॉडल है ये ऑपरेशनली बहुत अनोखा है, बहुत नया है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपने छोटे छोटे वहाँ के कस्बों को इकट्ठा किया है, वहाँ पे महिलाओं को आपने एंटरप्रेन्योर बनाया है। हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि ये पूरा मॉडल काम करता कैसे है। वैसे हमारी प्रेरणा तो मुख्य रूप से अमूल और लिजत पापड़ है, जो कि पिछले 70 साल से दिखा चुके हैं कि कैसे ग्रामीण महिलाओं के साथ, ग्रामीण छोटे किसानों के साथ काम किया जाए। तो हम भी उसी को प्रेरणा लेते हुए हम इस तरह से कर रहे हैं कि गांव में जो है हम उनकी कंपनियां बनाते हैं। जैसे एक जगह पे करीब 3,000 से 5,000 महिलाओं को इकट्ठा करके उनकी खुद की कंपनी रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद जो है वो जो उनकी उनका उत्पादन वो प्रोड्यूसर कंपनी में आता है, वहाँ पे उनको प्रोसेस करते हैं और जो है उनके ब्रांड में बना के बेचते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो महिलाओं का उपज है वो कंज्यूमर तक पहुँचता है, जिससे कि उनको अधिक आय मिल सके। जब ये एक ऐसी कंपनी बनती है तो क्या सारी महिलाएं उसकी शेयर होल्डर होती है या ये कैसे काम करता है? तो मुख्य रूप से ये जब कंपनियाँ बनती हैं तो हर महिला पहले में कम से कम 1500 रुपये जो है अपने शेयर होल्डर के तरीके से डालती हैं। और हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ इतने पे ना रुके, वो हर साल जो है अपने कमाई में से कुछ जो है कंपनी में जोड़ते जाए, ताकि उनकी कंपनी में उनका जो अपना जो पैसा है ज़्यादा लगता रहे जी। तो जिसके वजह से कि उनका अपने पैसे लगने की वजह से उनका भी एक जो है उसमें इंटरेस्ट रहता है, उनका स्टेक रहता है, स्टेक रहता है। और दूसरी चीज ये है कि इनके स्टेक के वजह से कैपिटल भी जो है वो बाहर से ला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं कि महिलाएं लगाएं। तो जब इन कंपनियों के प्रोडक्ट बनते हैं, मुझे उम्मीद है बहुत किस्मों और प्रकारों के प्रोडक्ट बनते होंगे, तो उनको फिर कहाँ लेकर जाया जाता है और फिर वो कंज्यूमर या एंड कस्टमर तक कैसे पहुँचते हैं? तो अलग अलग तरीका है इसमें। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि पहले जब वो एंटरप्राइज चालू करते हैं तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा बहुत मार्केट से फीडबैक की ज़रूरत होती है, कि ये ज़रूरी नहीं है, ये समझना ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन से वही पूरा सशक्त हैं कि जाके वो मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और बड़े बड़े कंपनियों के साथ कम्पीट भी करें। तो इनके साथ हमको काम करना पड़ता है,
जैसे बुनकर लोगों के साथ काम करते हैं तो उनकी डिज़ाइंस को सुधारना पड़ता है, जो कलर फास्टनेस है क्लॉथ की उसके ऊपर सुधार लेके आना पड़ता है, नए डाइंग टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत मैकेनाइजेशन भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि प्रीलूम प्रोसेसेस में जहाँ जहाँ पे उनको क्वालिटी की इश्यूज़ आती है। तो ये जब सुधर जाता है तो पहले पहले अगर छोटे मार्केट्स में भी बिक्री हो तो उससे खुश रहना चाहिए। उसके बाद जब उनका प्रोडक्ट अच्छा होने लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमको मौका मिलता है कि आप अर्बन एरियाज में घुसो, बड़े बड़े कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करो। तो बी टू बी भी होता है और कभी कभी हम अभी हमने ई कॉमर्स भी चालू कर दिया है और उनको शॉपिफाई का बेस में उनका खुद का शॉप ऑनलाइन शॉप बनाने के लिए भी उनको मदद किया है, तो जिसके कारण उनको लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो डायरेक्टली कंज्यूमर को भी डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। बहुत ही तो सही। दोनों तरीके से बी टू बी और बी टू सी दोनों। बहुत ही सही। आप अपनी कम्युनिटी के अंदर लर्निंग और फाइनेंस दोनों ही संभावनाएं देते हैं, ये जरा समझाइए कैसे काम करता है। तो हर कंपनी को बार बार कोशिश करते रहना है कि नया प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें, नया सर्विसेज इंट्रोड्यूस करें, उसके लिए लर्निंग की बहुत ज़रूरत होती है और कंज्यूमर से फीडबैक भी लेने की ज़रूरत होती है कि हमारी सर्विस और यह प्रोडक्ट कितनी अच्छी तरह से मार्केट में उसको रिसीव किया जा रहा है। तो जब ये लर्निंग ओरिएंटेशन रहती है तो वो एंटरप्राइज ज़्यादातर सस्टेनेबल बन जाती हैं और अच्छी तरह से मार्केट को सर्विस कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं गांव के स्तर में जो भी ट्राइबल एरिया से भी हैं उनको भी ऐसे एक सर्विस मिले ताकि वो कॉन्स्टेंटली अपने एंटरप्राइज को नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाल सकें। तो उसके लिए हमने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके तहत वो सीधी तरह से बाकी दूसरे महिलाएँ जो हर अलग अलग राष्ट्र में हैं उनसे साथ भी नेटवर्क कर सकें और उनसे भी सीखें और खुद भी उसका नया नया प्रयोग उसके अंदर करें। दूसरा चीज़, आपने फाइनेंस की जो बात की है, फाइनेंस भी ऐसी है कि आप भले अर्बन एंटरप्राइज हो या रूरल एंटरप्राइज हो, आपको अच्छी तरह से अपना फाइनेंशियल मॉडल की क्लैरिटी होने की ज़रूरत है। तो महिलाओं के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, तो जिस तरह के एरिया से आते हैं, जैसे हम कहीं पे गोंदिया में काम करते हैं जो महाराष्ट्र में पूरा नक्सल एक्सेप्टेड एरिया है और वहाँ पे महिलाएं को जो है ट्राइबल्स हैं, तो इन लोगों को भी फाइनेंस की ज़रूरत है, पर लेकिन उनको ग्रांट्स की, थोड़ा बहुत ग्रांट्स की ज़रूरत होती है ताकि इनिशियल स्टेज में वो लोग उसको सीख सके और तैयारी कर सके। उसके बाद उनको डेट की ज़रूरत होती है, उसके बाद इक्विटी भी की ज़रूरत होती है। तो स्टेप बाय स्टेप इन सब की प्रबंध अगर हम कर सकते हैं तो उस एंटरप्राइज सशक्त भी बन सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है। अब सीधा इम्पैक्ट की बात करते हैं। देखिए, आप लोगों ने इतना सारा काम किया है आज तक, इतने हजारों, करीब 65,000 महिलाओं के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आज तक रिजल्ट क्या जनरेट हुए हैं, क्या क्या रिजल्ट बने हैं इन सब लोगों के लिए, प्लीज बताइए। तो अलग अलग तरीके के रिजल्ट हैं, बट कुछ हमारे बहुत सक्सेसफुल रहे, कुछ अभी इम्प्रूवमेंट के स्टेज में हैं, इतने काफ़ी सक्सेसफुल, बट हमने कोशिश किया है कि 65,000 महिलाओं के साथ, 65,000 महिलाओं के साथ जब हम काम करें उनमें काफ़ी हद तक उनका आय डबल या ट्रिपल हो जाए। तो उसका मतलब यह है कि जैसे बुनकर की प्रोग्राम है हमारी काफ़ी सक्सेसफुल है, 900 महिलाएं 3 कंपनियां चला रही हैं, इन 3 कंपनियों में उनका साल में 2 से 2.5 लाख का आय आता है जो 3 से 4 गुना है जो आम बुनकर को मिलता है। आम बुनकर को आज भारत देश में 50 से 60,000 रुपये हर साल मिलता है। आप वही हमारे डेयरी कोऑपरेटिव्स में देखेंगे और डेयरी प्रोड्यूसर कंपनीज में देखेंगे, वहाँ पे भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी 2 से 3 गुना उनका जो आय है बढ़ चुका है। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो ग्राहक है, ग्राहक अगर 1 रुपया पे करता है कि कमोडिटी के, आमतौर पर बहुत सारे सप्लाई चेन इनफिशियंसिस के कारण प्रोड्यूसर को सिर्फ 30 पैसे से 40 पैसा मिलता है। हमारी जो मॉडल है और हमारी एंटरप्राइजेस में हमारी कोशिश रह चुका है कि 70 से 80% उसको महिलाओं को मिले। तो इस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जितने भी ये प्रोड्यूसर कंपनीज आती हैं वहाँ पे उनके खुद के बच्चे काम करते हैं तो उनको लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जो और ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है जहाँ पे कि उनको ट्रेनिंग के साथ टेक्निकल जॉब्स भी मिलता है। फिर भी वो स्कूल में अगर 7वीं कक्षा या 8वीं कक्षा पढ़े हो, फिर भी उनको मौका मिलता है कि टेक्निकल नौकरी मिले, उसमें एक्सपीरियंस के थ्रू वो लर्न कर सके और उसको जॉब। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? हम लोग तो मुख्य रूप से इसमें जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनके साथ जब जुड़ते हैं, उनका जब व्यापार बढ़ता है तो व्यापार में से जो है वो भी हमको पे करती है जी।
लाखों भारतीय इस समय आपको स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपके जैसा काम करना चाहते हैं और इम्पैक्ट इस देश में क्रिएट करना चाहते हैं, आपका क्या संदेश है उनके लिए? मेरा ये संदेश है कि आप कोई भी एंटरप्राइज है, अगर आप लॉन्ग टर्म से देखें, लॉन्ग विजन से देखें, और इंडिया में ऐसे बहुत सारे नामी एंटरप्राइजेस हैं जैसे टाटा हैं, इन लोगों ने 100-100 साल अपना बिजनेस चलाया है। जब भी वो बिज़नेस चलाते हैं तो वो सक्सेसफुल बिजनेस जो इतना लॉन्ग टर्म में चलाते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन से नहीं चलती है, वो इसलिए चलती है क्योंकि वो अपने स्टेक होल्डर्स को वैल्यू देते हैं। और हर बिजनेस को स्टेक होल्डर्स को वैल्यू देना चाहिए, वो भले प्रोड्यूसर्स हो, वेंडर्स हो, सप्लायर्स हो, और अपने जितने भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है जो इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, आप बिजनेस कर रहे हो जिसके कारण गलत प्रभाव दूसरे लोगों के ऊपर होती है, वेदर वो पीपल पे हो या प्लैनेट पे हो, इन दोनों को अगर आप ध्यान रखते हुए बिजनेस चलाएंगे तो बिजनेस का कोई रोक ही नहीं है, आप 100 साल के आप 200 साल भी चला सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। तो 100 साल के आप 200 साल भी बिजनेस चला सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। इस सेशन से आपके फायदे की दो बड़ी बातें हैं। सबसे पहली, आप एक ताकतवर नेटवर्क बना सकते हैं सप्लाई और डिमांड का, अगर आप भारत के छोटे गांव में कस्टमर्स की समस्याओं को सुलझाना शुरू करेंगे। नंबर दो, जब आप देंगे भारत को लर्निंग और फाइनेंस जैसे कि इन्होंने दिया, आप लाखों लोगों के लिए संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल देंगे और अपने लिए आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकेंगे, ये बात तो पक्की है। अब बारी है ऑडियंस के सवालों की, आइए देखते हैं। मेरा नाम रोशन शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। आपका इंपैक्ट सॉलिड है, आप अपने ऑपरेशंस को फंड कैसे करते हैं? तो देश में काफी सुधार आ रही है और हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 साल पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज की एक शुरुआत की है, उसका गाइडलाइंस अभी हाल ही में उन्होंने इश्यू किया है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा एक मौका है कि एंटरप्राइजेस जो इम्पैक्ट के साथ साथ फाइनेंशियल रिटर्न दे सकती हैं उनको एक मौका मिल रहा है कि उस प्लेटफॉर्म में वो अपने आप को एडवर्टाइज करें और शेयर होल्डर्स इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। एक नई तरह की सोच है कि सिर्फ आप शेयर मार्केट में इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको फाइनेंशियल रिटर्न मिले, फाइनेंशियल रिटर्न के साथ आप सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करें। तो इस तरह की जो नए मौके आ रही हैं जैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वो अभी खुल रही है देश में, तो हम जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशंस हैं इनको अभी एक बहुत बड़ा मौका है कि एक ब्लेंडेड फिनेंस की तरह दोनों ग्रांट्स को भी ले सकते हैं, लो कॉस्ट डेट्स को भी ले सकते हैं और इक्विटी को भी लेके आके इन सबको मिलजुल के महिलाओं को मदद कर सकते। समय है अब एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप मिलेंगे एक स्पेशल गेस्ट से, मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। समय है हमारे गेस्ट और मेंटर प्रणव भाटिया से मिलने का। प्रणव फाउंडर और सीईओ हैं स्टिरिंग माइंड्स के, ये सीरियल एंटरप्रेन्योर भी हैं और अपने कोवर्किंग स्पेस के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। प्रणव आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस टुडे में। थैंक यू पारितोष। मेरा पहला सवाल आपसे ये है प्रणव, आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर में फर्क होता क्या है स्टार्टअप्स के लिए। देखिए, एक एक्सेलरेटर एक बहुत ही डिफाइंड प्रोग्राम रहता है जिसके अंदर एक टाइम लिमिट सेट होता है कि जैसे ये हमारा 6 महीने का एक्सेलरेटर है, 3 महीने का एक्सेलरेटर है और बहुत ही पावर पैक्ड रहता है जिसके अंदर डिफाइंड होता है कि इसके अंदर आप नेटवर्क से मिलेंगे, आपको फंडिंग मिलेगा, ये होगा और एक तरीके से समझ लीजिए MBA प्रोग्राम है। लेकिन उस 3-4-6 महीने का जो प्रोग्राम रहता है या 1 साल का मैक्सिमम प्रोग्राम रहता है उसके बाद एक्सेलरेटर आपके साथ बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग नहीं करता। लेकिन इंक्यूबेटर का क्या रहता है कि इंक्यूबेटर एक थोड़ा लॉन्गर स्ट्रेच प्रोग्राम है जो एक थोड़ा पहले के स्टेज से चालू होता है, वो प्री स्टेज से ही चालू हो जाता है जब आपका एक आइडिया डेवलप हो रहा है और आपके साथ एक लंबे समय तक काम करता है और आपके वेंचर के सक्सेसफुल होने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर के अंदर मेजर ये फर्क रहता है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए प्रोग्राम है और एक लंबा प्रोग्राम है जो आपके साथ ज्यादा डीपर वर्क करता है। तो आपने कहा कि ये लंबा प्रोग्राम होता है इंक्यूबेटर, लंबे का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, कितना लंबा होता है प्रोग्राम? ये आप समझ लीजिए 2 साल से लेके 3-5 साल के रेंज का रहता है, जबकि एक एक्सेलरेटर 6 महीने के आसपास का जनरल ट्रेंड रहता है। जैसे आप अगर USA का वाई कॉम्बिनेटर एक्सेलरेटर देख लें तो 6 महीने का प्रोग्राम रहता है, तो ऐसे ऐसे वो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम रहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्टार्टअप आपके पास आई इंक्यूबेशन के लिए, वो इंक्यूबेट हुई और इंक्यूबेशन के दौरान
स्टार्टअप को लगता है कि भाई ये मेरा आइडिया ठीक नहीं है, उनको लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो ऐसे समय में आप क्या एडवाइस करते हैं फिर स्टार्टअप्स को? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टअप जिस आइडिया से स्टार्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि उस आइडिया से एंड करते हैं। वो जैसे जैसे मार्केट समझते हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंट को समझते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा आइडिया सही नहीं है या हमें कुछ चेंज करना है, उस टाइम पे हम उन्हें एनकरेज करते हैं कि आप अपने आप को चेंज कीजिए। इनफैक्ट स्टार्टअप का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही ये है कि वो अपने आप को चेंज कर पाता है। एक बड़ा कॉर्पोरेट अपने आप को ईजिली चेंज नहीं कर पाता, इसलिए वो बहुत नए इनोवेशन नहीं क्रिएट कर पाता। लेकिन स्टार्टअप का जो चेंज करने का उसका फ्लेक्सिबिलिटी है, वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो हमें उनको बोलते हैं कि अगर आप एक टाइम तक किसी आइडिया पे काम कर चुके हैं लेकिन आपको लगता है कि अब वो आइडिया मार्केट के लिए सही नहीं है, तो आप उसको चेंज करिए, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर अगर ओला चालू हुआ कैब हेलिंग सर्विसेज से, अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर घुस रहा है क्योंकि उसे वो बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को री इनोवेट करते रहिए। लेकिन मान लीजिए जब कोई स्टार्टअप आपने इंक्यूबेट की, और लेट्स से ऐसा मानते हैं कि आपने उसमें इक्विटी भी ली, आपने कुछ पैसा लगाया उस स्टार्टअप में और इक्विटी ले ली, अब वो स्टार्टअप अपना आइडिया बदलना चाहती है, और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल होगा भी कि भाई अगर किसी ने मुझमें पैसा इन्वेस्ट किया है और आज मैं अपना आइडिया बदल रहा हूँ, तो उस समय एक इन्वेस्टर की तरह और एक इंक्यूबेटर की तरह क्या आप अलग अलग सोचते हैं, या आप ये कहते हैं कि नहीं भैया जो आपने पहले वादा किया था वही कीजिए, अदरवाइज मेरा पैसा वापस लौटाइए और जाइए, तो आपका क्या विचार रहता है इस समय पे? देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि एक इंक्यूबेटर और एक इन्वेस्टर आइडिया में कम टीम में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, तो उसे जब तक लगता है कि ये टीम कैपेबल है एक नए आइडिया को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए, उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका आइडिया अगर वो एंटरप्रेन्योर आइडिया बदल भी रहा है तो, क्योंकि असली में जो रिटर्न मिलने वाला है आपको सक्सेसफुल होने पे मिलने वाला है एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म आइडिया को, चाहे वो आइडिया एक्स हो या वाई हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि जिस आइडिया पे पैसा लगाया था उसी आइडिया पे काम करना चाहिए, तो वो गलत सोच है, क्योंकि ज़्यादातर मैं ये समझता हूँ कि लोग टीम पे इन्वेस्ट करते हैं। एज लॉन्ग एज टीम स्ट्रांग है और वो लॉन्ग टर्म नए आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इंक्यूबेशन के समय, क्योंकि कंपनियां बहुत छोटी होती हैं इंक्यूबेशन के समय, तो भाई तभी इंक्यूबेशन मिल रहा है, ऐसे समय पे इक्विटी अगर डाइल्यूट करे कोई अपना फाउंडर, तो वो कितनी इक्विटी डाइल्यूट करे? देखिए, बहुत ज़्यादा इक्विटी शुरू में डाइल्यूट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-7% के बीच का आइडिया लेके चल सकते हैं, और ज़्यादातर इंक्यूबेटर्स इस रेंज में ऑपरेट करते हैं। ऐसे इंक्यूबेटर जो 10-15% भी लेते हैं, लेकिन जो मार्केट का स्टैंडर्ड है जिसमें आपको ऑपरेट करना चाहिए, वो 3-7% के बीच का आपको स्टैंडर्ड लेके चलना चाहिए। और जब कोई इंक्यूबेटर अगर 3-7% इक्विटी मान लीजिए लेता है, तो क्या वो केवल जो रिसोर्सेज देता है, जगह देता है, उसका पैसा है, या एक्चुअली में कोई पैसा और कैश भी इन्वेस्ट करता है वो स्टार्टअप में? बोथ टाइप के इंक्यूबेटर एग्जिस्ट करते हैं। कई लोग सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका स्पेस, नेटवर्क और ये सब, और कई इंक्यूबेटर्स पैसा भी डालते हैं। तो ज़्यादातर आपको ऐसे इंक्यूबेटर के पास जाना चाहिए जो आपके स्टार्टअप में पैसा भी डाल रहे हैं, क्योंकि शुरू के टाइम पे आपको पैसा की बहुत ज़रूरत होती है। अपार्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको मार्केट से मिल जाता है, पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इंक्यूबेटर पैसा दे रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। बहुत सही। आपके कोवर्किंग के पूरे एक्सपीरियंस के अंदर आपने काफ़ी बार सुना होगा कि बहुत सारे फाउंडर्स कहते हैं मुझे को फाउंडर चाहिए, मुझे एक साथी चाहिए, तो क्या आपका इंक्यूबेटर या जब आप इंक्यूबेट करते हैं स्टार्टअप्स को, तो आप को फाउंडर्स ढूंढने में भी मदद करते हैं? हाँ, क्योंकि हम लोगों का देखिए, एक स्टार्टअप का सक्सेस तभी अच्छा हो पाता है जब उनका एक टीम बढ़िया है। और कहते हैं कि एक स्टार्टअप अगर फाउंडर इंडिविजुअल है, अलोन है, तो उसका सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आपको हमेशा साथी चाहिए रहते हैं। तो को फाउंडर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आइडियल को फाउंडर का जो टीम है वो 3 का माना जाता है, जिसमें अगर आपके 3 के टीम मेंबर्स हैं आपके स्टार्टअप के अंदर, तो आपका सक्सेस ज़्यादा रहेगा। तो हम हमेशा उनको हेल्प करते हैं और एनकरेज करते हैं कि अगर आप सिंगल फाउंडर हैं तो और को फाउंडर्स ढूंढिए। और उसको हम कैसे हेल्प करते हैं, हम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके अंदर स्टार्टअप एंथुजियास्ट आपस में मिलते हैं और अपना आइडिया शेयर करते हैं। आइडिया का पिचिंग होता है जिसमें ऑडियंस सामने बैठी है और आप अपना आइडिया बता रहे हैं। तो होता क्या है कि आप जब अपना आइडिया बताते हैं, तो उसमें से कोई ऑडियंस में ऐसा होता है जो कहता है कि ये आइडिया मुझे भी करना है और मैं आपके स्टार्टअप के अंदर को फाउंडर बनना चाहता हूँ। तो वो फिर उस पिचिंग सेशन के बाद आपस में मिलते हैं, नेटवर्क करते हैं। ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी होते हैं और ऐसे ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी होते हैं जो हम इनकरेज करते हैं। इसे एक तरीके से को फाउंडर डेटिंग की तरह कहा जाता है, क्योंकि देखा जाए तो एक को-फाउंडर बनना एक स्टार्टअप में इज मोर लाइक मैरिज, शादी की समान है, क्योंकि आप अपने शायद जीवन साथी के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड करते जितना आप को-फाउंडर के साथ स्पेंड करते हैं। तो वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही को-फाउंडर को ढूंढें, और इस प्रोसेस में हम हेल्प करते हैं, क्योंकि हम लोग
बहुत सारे co-founders के साथ पहले मिल चुके होते हैं और उनके बारे में जानते होते हैं, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे आपने आज ऐसे जवाब दिए हैं जिससे दिमाग खुलेगा बहुत सारे लोगों का, और इसी कारण से मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, आज लाखों भारतीय आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में, आपकी तरह बनना चाहते हैं और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपका क्या संदेश है उनके लिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जब एक स्टार्टअप अपने आप को चालू करना चाहता है मार्केट में, तो सबसे पहले उसे समझ लेना चाहिए कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एक स्टार्टअप को चालू करने से पहले। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऐसी आइडिया के अंदर अपने आप को चालू कर लेते हैं अपना स्टार्टअप जिसके अंदर ऑलरेडी मार्केट में नीड नहीं है। हो सकता है वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसा स्टार्टअप बनाते हैं जो अमेज़न के जैसा है, अब अमेज़न ऑलरेडी वो कर रहा है तो आप करके उसे क्या करोगे? तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो मार्केट में, वो प्रॉब्लम मार्केट में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। अगर वो प्रॉब्लम मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो क्या आप सही इंसान हो या आपकी टीम सही है उस आइडिया को सॉल्व करने के लिए, आपके पास वो नॉलेज है, या आप उस आइडिया को सबसे तेज़ तरीके में सॉल्व कर सकते हो जिससे पहले की बड़े प्लेयर जैसे रिलायंस या बड़ी बड़ी कंपनीज उस आइडिया में जंप करें, क्या आप सफिशिएंट मार्केट क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो बड़े प्लेयर्स को कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे कि उस मार्केट के अंदर जंप ना करें। तो ये मैं बोलूँगा कि जो अपना आइडिया है उसके अंदर आप क्या सॉल्व कर रहे हो, ये सब अच्छे से जान लें, मार्केट को टेस्ट कर लें, और फिर जब टेस्ट करने के बाद अपने आइडिया को बार बार इम्प्रूव करते रहें मार्केट से फीडबैक लेने के बाद। तो ये मेरा मैसेज रहेगा आज के लोगों के जो मेरे को सुन रहे हैं उनके लिए, कि अपने आइडिया को सोच समझ चालू करें। तो इस सेशन से आपके फायदे की हैं दो बहुत बड़ी बातें। सबसे पहली, इंक्यूबेशन के पड़ाव पर बहुत कम इक्विटी दीजिए। इंक्यूबेटर्स में जब आप जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो आपसे इक्विटी लेते हैं भाई, ताकि जिसको कहते हैं ना स्किन इन द गेम उनकी भी हो। लेकिन बात बहुत साफ है कि इक्विटी आपको बाद में भी फंड जब आप रेज करेंगे देनी पड़ेगी, तो पहले कम इक्विटी अपनी लूज कीजिए, इंक्यूबेटर को अपना साथी बनाइए। नंबर दो, इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए प्रोडक्ट मार्केट फिट को अचीव करने में। ये आप पहले भी समझ चुके हैं हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के हमारे एक और सेगमेंट में। शुरुआती दिनों में ऐसे काम कीजिए जो स्केल ना हो सके, ये एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। समय है अब एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप लेंगे मेरे साथ 22वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का और आगे बढ़ाने का। मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, अब तक तो आप जान चुके हैं ये बात। अब लेते हैं 22वां कदम हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का। इट्स टाइम टू स्केल, यानी अब समय है अपने बिजनेस को स्केल करने का। इसको आराम से और अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली चीज, अब तक आपने बिजनेस को मजबूत और प्रॉफिटेबल बनाने के तीन फाउंडेशंस के बारे में जाना है। फाउंडेशन क्या होती है? जो आपकी ठोस जमीन होती है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है KPI आपकी टीम के लिए, इसको हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और तीसरा है आपका बिजनेस मॉडल। अब तक अपनी स्टार्टअप में आप काफी बार फेल हो चुके होंगे, आपने हायरिंग, मार्केटिंग, सेल्स में गलतियां कर ली होंगी, आपको बहुत सारा कस्टमर फीडबैक भी मिल चुका होगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अब तक आपने उन तरीकों से काम किया है जो स्केल नहीं हो सकते, यानी एक अकेले फाउंडर के नाते आपने खुद जद्दोजहद की, आपने बहुत घंटे काम किया, आपने वो सब काम किए जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को सही मार्केट तक सही प्राइस पर लेकर जा सके। अब आपके पास विश्वास है कि आपका बिजनेस मॉडल एकदम सही है, आपके पास पहले कुछ पेइंग कस्टमर्स आ चुके हैं, अब समय है इस बिजनेस को स्केल करने का। कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन, KPI और बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल कीजिए स्केल करने के लिए। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से? अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे ट्रैवल इंडस्ट्री के स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण से सीखकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फल, सब्जी, फ्रूट्स, अंडे आते कहाँ से हैं? भाई मैं सुपरमार्केट में गया और वहाँ से लेके आया जी। तो इस चीज़ों को हमने कहा कि इन तीनों जो एक समस्याएं थी, इस चीज़ों को अगर मैं टूरिज्म और पर्यटन के माध्यम से हम सॉल्व कर सकें, तो उसी से जेनेसिस हुआ जो विलो टेल का। इंडियन एविएशन में अगर आप देखें तो वो लीजर ट्रैवलर और बिजनेस ट्रैवल पे काफ़ी डिपेंडेंट है, बट हमने एक नया 30 लाख का कस्टमर बेस इंडियन एविएशन में जोड़ा है, वो कि भारतीय सैनिक है। अगर आपको सफ़र करना है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, मगर कैसे मिलेंगे, वो कैसे करेगा, वो नहीं पता आपको।